अयोध्या जी के लिए जा सकते हैं। आप अयोध्या जाएंगे 22 तारीख को? उनका एक लेटर आया था, उसके बाद हमने उनको फोन किया, उन्होंने बताया कि कोई पर्सनली इनवाइट करने के लिए, फाइनल इनविटेशन देने पर्सनली उनकी टीम आएगी। वो तो आई नहीं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। उसमें लेटर में उन्होंने लिखा है कि बहुत ज़्यादा VIP और VVIP आएंगे, और इसीलिए सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए एक ही व्यक्ति अलाउड है वहाँ। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भगवान रामलला के दर्शन करने जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बुधवार को कहा कि मैं अपने परिवार के साथ अयोध्या भगवान राम के दर्शन करने जाऊंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद दिल्ली से अयोध्या के लिए और अधिक ट्रेनें चले। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ 22 जनवरी के बाद अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन करने जाएंगे, और 22 तारीख को जब वहां पे मंदिर का शुभारंभ होगा, तो उसके बाद हमारी कोशिश रहेगी कि अयोध्या के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और ट्रेन हम लगा सकें, ताकि लोगों में बहुत उत्साह है अयोध्या जी जाके रामलला के दर्शन करने के लिए। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा और ट्रेन जो हैं वो अयोध्या जी के लिए जा सकते हैं। आपके जाने का 22 तारीख को? उनका एक लेटर आया था, उसके बाद हमने उनको फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि कोई पर्सनली इनवाइट करने के लिए, फाइनल इनविटेशन देने पर्सनली उनकी टीम आएगी। वो तो आई नहीं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। उसमें लेटर में उन्होंने लिखा है कि बहुत ज़्यादा VIP और VVIP आएंगे, और इसीलिए सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए एक ही व्यक्ति अलाउड है वहाँ पे अभी इस टाइम जाना। तो एक तो फाइनल इनविटेशन का मुझे नहीं पता, कोई आया नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपनी धर्मपत्नी और अपने बच्चों के साथ, और मेरे माता पिता को भी बहुत ज़्यादा चाव चढ़ा हुआ है कि हमें जाके रामलला जी के दर्शन करने हैं, तो अपने माता पिता, अपनी धर्मपत्नी, अपने बच्चों के साथ मैं जाऊँगा। बाद में चले जाएंगे जब भी, एक बार ये अभी हो जाए 22 तारीख में। बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने कहा था कोई देने के लिए आएगा, लेकिन अभी कोई आया नहीं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बाद में सब परिवार में जाना चाहता हूं, तो बाद में सब परिवार में। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर निमंत्रण के सवाल पर केजरीवाल ने कहा कि उनका कोई लेटर आया था, उसके बाद हमने उनको फोन किया तो उन्होंने बताया कि कोई फाइनल निमंत्रण देने के लिए उनकी टीम आएगी। बता दें कि भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों और देश भर में रामे माहौल के बीच आम आदमी पार्टी ने महीने के दूसरे मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन कराएगी। इसी को लेकर मंगलवार यानी 16 जनवरी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के रोहिणी के हनुमान मंदिर में सुंदरकांड पाठ में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद रही।